हाय मदन चलकर में आपका स्वागत है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने म्यूकस प्लग का बहुत बार नाम सुना होगा कि एक्चुअल में म्यूकस प्लग होता क्या है, कब ये निकलता है, क्या काम करता है, इसके निकलने के कितने घंटे बाद आपकी डिलीवरी होती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। म्यूकस प्लग यानी इसको नाम से ही पता चल रहा है, म्यूकस यानी म्यूकस जैसा, यानी सर्दियों में हमें कोल्ड कफ होता है तब हमें हमारे जो गले में बलगम बनता है सेम वैसा होता है, वैसा गाढ़ा होता है, इसलिए इसको म्यूकस बोलते हैं। प्लग प्लग यानी बैरियर का काम करता है, अवरोधक का काम करता है। ये बनता कहाँ है? ये आपके बच्चेदानी के मुंह पे बनता है। जैसा आप सोचिए ऐसा कुछ यूट्रस होता है और ये आपके नीचे बच्चेदानी का मुंह जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। जिस दिन आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है उसी दिन से आपकी सर्वाइकल जो ग्लैंड है इसको बनाना शुरू करती है और पहले दिन से लेकर प्रेगनेंसी के पूरे 9वें महीने आपके बच्चेदानी के मुँह पर बना रहता है। तो ये काम क्या करता है? आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे इन केस आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया है, फंगस है, कुछ भी अगर एंटर करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चेदानी में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो वहीं पर रोक लेता है म्यूकस प्लग, अंदर नहीं जाने देता। यानी आपका बच्चा अंदर बिल्कुल सेफली ग्रो करता है और आपकी प्रेगनेंसी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके हम साइज की बात करें तो 4-5 सेंटीमीटर होता है, इसका वजन 1 औंस होता है और क्वांटिटी में लगभग 2 टेबलस्पून होती है, उतनी इसकी क्वांटिटी होती है। इसकी कलर की बात करें तो इसका वाइटिश कलर या फिर हल्का येलोइश कलर हो सकता है या फिर हल्का पिंकिश कलर इसका आ सकता है या फिर रेडिश कलर इसका आ सकता है आपको, या फिर इसको रेड कलर की इसके अंदर धारियां जो है वो भी आ सकती हैं। ये आपने ऑब्जर्व करनी है। जब आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट का टाइम आता है तब आपने अपने जो अंडर गारमेंट्स पहने होते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहना है, तो उन पर आपको लगा हुआ मिल सकता है। अगर आप यूरिन पास करने जाते हो तब आपको दिखाई दे सकता है, या फिर किसी किसी को हो सकता है कि महसूस भी ना हो, क्योंकि कई बार हम नहाते हैं तब निकल जाए तो हो सकता है कि हम ध्यान ना दें, या फिर आपका डॉक्टर आपको सर्विक्स एग्जामिन किया है तब निकलता है तो भी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आपने ऑब्जर्व जरूर करना है ताकि आप इस चीज को नोटिस कर सको। ये निकलता कब है? तो जब आपकी डिलीवरी का समय पास आता है तब ये निकलता है, क्योंकि क्या होता है जब आपका डिलीवरी के समय पास आते हैं तब आपकी जो बॉडी है लेबर के लिए तैयार हो रही होती है, आपका जो बच्चेदानी का मुंह है सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, मुलायम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह ही खुल जाएगा तो ये अंदर टिक ही नहीं पाता और जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके निकलने के कितने दिन बाद डिलीवरी होती है? तो एक्चुअल में 37 वीक से लेकर 40 वीक के बीच में ये कभी भी आपका निकल सकता है। इसके निकलने के कितने दिन बाद डिलीवरी होती है अगर हम इसकी बात करें तो किसी किसी के जो है 10-12 दिन बाद डिलीवरी हो सकती है। तो इसके निकलने के बाद आपको हल्का लेबर पेन फील हो सकते हैं, हल्का फॉल्स लेबर पेन आपको फील हो सकते हैं, हल्का पेट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको महसूस हो सकता है, आपको पेट में हल्का दर्द आपको हो सकता है। किसी किसी के निकलने के 5-6 दिन बाद डिलीवरी होती है, किसी किसी के म्यूकस प्लग निकलता है उसी दिन उनकी डिलीवरी हो जाती है, यानी आपके ये म्यूकस प्लग जो निकलता है उसके 10-12 दिन के बीच में आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जब भी आपका म्यूकस प्लग निकले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, आपको डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर आपको म्यूकस प्लग निकला है, अगर लेबर पेन शुरू हो गए हैं, आपको पेट में दर्द होना शुरू हो गया है तो एक बार डॉक्टर को जाके जरूर दिखाइए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।